मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में लोग पढ़ चुके थे कि हाउ टू स्टार्ट ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कुछ प्रोसेस पढ़ा था, तो सब प्रोजेक्ट सिलेक्शन पढ़ लिए थे, प्रोडक्ट और सर्विस सिलेक्शन कैसे करना है वो भी हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि लोकेशन सिलेक्शन कैसे करना है। आज का मेन फैक्टर है लोकेशन सिलेक्शन। कोई भी लोकेशन को कैसे देखना है, जंगल के बीच में देखना है कि रोड के किनारे देखना है, जो थोड़ा सा पब्लिसिटी जहाँ ज़्यादा हो। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं मोटा मोटे तौर पे अगर बताऊँ, कोई भी अगर मान लीजिए इस इंडस्ट्री या फिर कोई भी हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने के लिए हमें सबसे लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा लोकेशन के आसपास हमारा सोर्स ऑफ इनकम है या फिर नहीं है, जंगल के बीच में है या फिर मेन हमारा लोकेशन पे चौक पे है कि मार्केट के अंदर है, कहाँ है। तो ये आसपास का लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आफ्टर डिसाइडिंग ऑन द प्रोजेक्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ टू मेक द अबाउट द लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो हम लोग जब डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, कैसे करना है, प्रोजेक्ट के बारे में जब डिसाइड हो जाता है, तो हमें लोकेशन देखना पड़ता है कि लोकेशन कहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। देयर ए फ्यू फैक्टर एसोसिएटेड विद द सेम। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एसोसिएट होते हैं किसके साथ, लोकेशन सिलेक्शन के साथ। तो लोकेशन के साथ क्या फैक्टर है, पहला फैक्टर है फ्रेंड्स नियरेस्ट और प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट। पहला पॉइंट क्या है हमारा, नियरेस्ट और प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। तो रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास उसको ट्रांसपोर्ट करने का फैसिलिटी है कि नहीं, उस अच्छे से कम्युनिकेट कर हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है कस्टमर्स के साथ और सेलर के साथ और हमारे इंडस्ट्री के साथ जो भी एंटरप्रेन्योर उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन बन पा रहा है कि नहीं, वो ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव कंसेशंस। तो हमारा जितने भी गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ इंसेंटिव मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, कंसेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी हमारा देखना जरूरी है। अगला पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हमारा जो इंडस्ट्री खोला, हमने जो बिजनेस किया है उसके अंदर जो पॉलिसी है वो फुलफिल हो पा रही है, जितने भी गवर्नमेंट का नॉर्म्स है क्या उसको फॉलो करना चाहिए, हमारे फायर एक्सटिंग्विश का कोई इक्विपमेंट रखना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए इमरजेंसी में हमारे कुछ होता है तो बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए क्या चाहिए, फायर के लिए वो हमारा एक जो किट आती है वो होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे नॉर्म्स है, पॉलिसी है, वो पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। तो हमारा जो फैसिलिटी वहाँ प्रॉपर है कि नहीं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, वहाँ प्रॉपर ऑफिस है कि नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर लैब है कि नहीं है, जितने भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो भी देखना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर। लेबर हमारे पास एम्प्लॉई है या नहीं है। ठीक है, हम जो काम करा रहे हैं खुद अकेले तो नहीं कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर तो नहीं है, बच्चे से काम तो नहीं करा रहे हैं, तो वो भी देखना ज़रूरी है। हमारा अगला पॉइंट है कन्वीनियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हमारा एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहे हैं उसको क्या है, थोड़ा सा आसान हो रहा है या दिक्कतें आ रही है बार बार। ठीक है, तो वहाँ पर कितना कन्वीनियंट है, कितना हम लोग स्मूथली उसको वर्क कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम जंगल में एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए, वहाँ पे ना गाड़ी जा पा रही है ना कोई जा पा रहा है, वहाँ काम करने में दिक्कत है, तो वहाँ पे हमारा क्या प्रॉपर नहीं चल पाएगा, वहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा कस्टमर और बाहर के बीच में और सेलर के बीच में, तो हम क्या करेंगे आगे उसको प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब देखते हुए हम लोग स्टडी करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
तो बने रहिए मेरे साथ, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।